पदयात्रा का नाम, नारे और नियत कुछ भी हो, लेकिन राजनीति में राजनेता पदयात्रा कब करते हैं ये जनता खूब अच्छी तरह समझती है। दो दशक से राजनीति में सक्रिय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, तो इसका मकसद भी हर कोई समझ रहा है। वैसे राहुल गांधी के लिए राजनीतिक यात्राओं का अनुभव पुराना है, पर इस बार उनकी जिम्मेदारी और कांग्रेस की उम्मीद बहुत बड़ी। समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। 5 अलग अलग टैक्स और जबरदस्त चोट, बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। राहुल जी आगे भाई, राहुल जी का स्वागत है। साथ ही साथ छोड़ते हैं तो आरोप राहुल गांधी पर लगाते हैं। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है। मुझे इस बात का दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी को अगवा कर लिया गया है। जो तनख्वाह वाले तनखैये हैं, जो तनख्वाह के इम्प्लॉयज हैं, आज वो उन कार्यकर्ता पे, उन नेताओं पे भारी हो गए हैं जिन्होंने अपना खून पसीना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया। कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से पूर्ण रूप से भटक गई है। कांग्रेस पार्टी अब वो नेहरू और इंदिरा और राजीव जी वाली पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी में कुछ चंद लोग गलत फैसले करवाए जा रहे हैं, राहुल जी गलत फैसले करते जा रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी हराते हैं तो निशाने पर राहुल रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता है जो आपके पास वोट मांगने आए हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आलू खेत में होता है कि आलू फैक्ट्री में होता है। तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी हैं। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन उसे उखाड़ नहीं पाओगे। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। पहले 2014 फिर 2019 के आम चुनाव, पार्टी सत्ता से दूर होती गई तो संगठन भी चरमराता गया। राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी थी, तब से वो कुर्सी खाली है। फिर से चंद आवाजें उठी हैं कि राहुल को फिर पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लेनी चाहिए। कांग्रेस के विचार और दृष्टि और चिंतन में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति ये मानता है मन से, आत्मा से, कि श्री राहुल गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष होकर नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता है कि वो उन अमीर मित्रों और उनके पालकों जो आज दिल्ली के शासन पर महाराजा बनकर बैठे हैं, उनसे अगर कोई लड़ सकता है दृढ़ता से, निडरता से, सैद्धांतिक तौर से तो वो, और बेबाकी से, तो वो राहुल गांधी है। पार्टी के अंदर से ही लेकिन आवाजें ये भी हैं कि चुनाव से तय हो कि पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। मेरा आंकलन जो है वो ये है, कांग्रेस पार्टी में कई बार विभाजन हुए 1967 के बाद से आज तक। कई बार लोग बाग बड़े बड़े नेता गए कांग्रेस छोड़ के और लौट के फिर वापस भी आ गए, क्योंकि इंदिरा जी के नेतृत्व में सब लोगों को विश्वास रहा। और उसके बाद से अब आप देख लीजिए, आज भी 99% कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आज भी नेहरू गांधी परिवार के साथ थे, हैं और रहेंगे। Whether I am going to be a candidate or not is beside the point. Any candidates coming forward will be good for the Congress party. राहुल ने जो पद नैतिकता के आधार पर छोड़ा, फिर नैतिकता का वो कौन सा आधार हो जिसके चलते वो फिर सर्वमान्य, सर्व स्वीकार्य, सर्व समर्थित कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए। भारत जोड़ो यात्रा में देश भर में उनका जनता से संवाद,
नेताओं से मुलाकात और नीतियों के विस्तार से शायद वो नैतिक आधार बन सकता है। भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद क्या है? एक तो ये है कि मीडिया में खबर चले, लोगों को मालूम पड़े कि कांग्रेस सक्रिय है, काम कर रही है। लेकिन अगर खबरें विपरीत चलने लगी, अगर खबरों में ये चलने लगा कि कांग्रेस में विवाद, अध्यक्ष कौन बनेगा, कोई फैसला नहीं हो सकता, ये भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, राहुल ने मना कर दिया, प्रियंका को लड़ाया नहीं जा रहा है, तो ये सब कांग्रेस के लिए कोई अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। तो इन स्थितियों में कांग्रेस जो है अपनी यात्रा तो शुरू कर रही है, मगर उससे पहले उसको इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा। 17 अक्टूबर को कांग्रेस संगठन के चुनाव भी होने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल का जवाब भी यहीं से निकलना है। तब तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 1 महीने से अधिक का सफर तय कर चुकी है। ये तो तय है कि भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पार्टी का मुख्य चेहरा राहुल गांधी ही रहेंगे और तब शायद अध्यक्ष पद पर उनकी दावेदारी की मांग और मजबूत हो सकती है। अगर ये यात्रा कांग्रेस की कामयाब हो गई तो कांग्रेस वापसी कर सकती है और इसी साल जो 2 चुनाव होने वाले हैं हिमाचल और गुजरात में, वहाँ वो ताकत के साथ लड़ सकती है। समस्या सबसे बड़ी यह है कि राहुल अभी भी अपना मन देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का नेता कौन है इसको लेके कांग्रेसियों में या उनके कार्यकर्ताओं में कोई ज़्यादा दोराय नहीं है या कोई द्विधा नहीं है। सब मानते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ही हैं। 2014 और 21 के बीच हुए चुनावों के दौरान 222 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। इस दौरान 177 सांसद और विधायक पार्टी को अलविदा कह गए। स्थिति ये है कि पिछले 8 महीने के दौरान ही कपिल सिब्बल, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई जैसे बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। पूर्वोत्तर में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल तमिलनाडु तक पार्टी के दिग्गज नेता साथ छोड़ चुके हैं। राजनीति में मोदी मैजिक के सामने कांग्रेस ने अपनी चमक खोई ये रिकॉर्ड बताते हैं, लेकिन पार्टी से जुड़े अधिकांश लोगों के लिए अब भी राहुल गांधी उम्मीद है। यहां तक कि प्रियंका गांधी का नाम भी उतनी मुखरता से नहीं लिया जाता। भारत जोड़ो यात्रा अगर वाकई जनता के दिल से जुड़ने वाली यात्रा बनी तो अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी का रास्ता आसान हो सकता है।